अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले जो बात की जाएगी वो कराची पुलिस की अहम कार्रवाई के हवाले से बात की जाएगी। कराची पुलिस और हसास इदारों ने मिलकर खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बेस पर एयरपोर्ट के इलाके भिटाइयाबाद में जो कार्रवाई की, वहां से मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और ये बताया जाता है कि ये जो मुलजिम है गैर मुल्की खुफिया एजेंसीज का आलाकार बनकर कराची के अंदर जो बम हमले थे, दस्ती बम हमले, उनमें ये मुलविस पाया गया है, सहूलतकारी में भी और मास्टरमाइंड भी ये बताया जा रहा है। इसी हवाले से जो आज की अपडेट है, 2010 से 2015 तक ये 38 से जायद क्रैकर और दस्ती बम हमलों में उसमें मास्टरमाइंड का किरदार अदा करता रहा है। साथ में ये भी बताया जो तफ्तीश करने वाले इदारे हैं कि टारगेट किलिंग और हड़तालों के दौरान जो हंगामा आराई होती थी उसमें भी ये तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व था। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त क्राइम रिपोर्टर मौजूद हैं अदनान राजपूत। अदनान, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है इसके बारे में क्या मजीद डिटेल बताई है इंटेलिजेंस बेसिस कार्रवाइयों के बाद। जी बिल्कुल बिलाल खान, ये कराची में पुलिस और अखाज इदारों की जानिब से खुफी इतला पर एयरपोर्ट के इलाके भिटाइयाबाद में बड़ी कामयाब कार्रवाई की है, जिसमें इंतहाई खतरनाक मुल दुश्मन दहशत गर्द को गिरफ्तार के हवाले से पुलिस मुकाम का बताना है की गिरफ्तार मुलजिम का ताल्लुक अलदम तंजीम जीएसिन मुत्तहदा महाज जिसकम से बताया जाता है, जो कि आला तालीम याफ्ता होने के साथ साथ मुख्तलिफ इकदाम के धमाका खेज डिवाइस और बम बनाने का माहिर भी बताया जाता है। गिरफ्तार दहशतगर्द रमेश कुमार कराची में 2010 से 2015 तक 38 से जायद क्रैकर दस्ती बम हमलों का मास्टरमाइंड बताया जाता है और दौरान तफ्तीश दहशतगर्द ने टारगेट किलिंग, हड़तालों के दौरान हंगामा आराई और सैकड़ों गाड़ियां नजर आतिश करने का एतराफ भी किया और साथियों के साथ मिलकर शहर में दस्ती बम हमलों में भी मुलव्वज़ रहे। जबकि हुकाम का बताना है कि गिरफ्तार दहशतगर्द ने दौरान इंटरोगेशन तमाम दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के अहकामात बैरून मुल्क में मौजूद कालाधन तंजीम के लीडर शफी बरफस की जानिब से मिलने का इंकशाफ किया है और पुलिस हुकाम का इस हवाले से बताना है कि कालाधन तंजीम के लीडर दुश्मन मुल्क की दुश्मन ममालिक की खुफिया एजेंसियों के आलाकार बनकर सिंध खुसूसन कराची में बदामनी फैलाने के लिए नौजवानों को उकसाकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल भी करता था। जी अच्छा अदनान, ये भी जानना चाहूंगा जब इसको गिरफ्तार किया गया तो अकेले इसको गिरफ्तार किया गया या साथियों को भी, इसका जो ग्रुप है गैंग है उनको, उनमें से भी कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई? जी बिल्कुल बिलाल, पुलिस हुकाम का बताना है कि मुलजिम को खुफिया इतला पर गिरफ्तार किया है, बल्कि मुलजिम के दीगर साथियों की भी तलाश जारी है। जबकि हुकाम का बताना है कि गिरफ्तार मुलजिम ने मजीद इंकशाफ भी किया है कि शफी बरफत इन तमाम कार्रवाइयों के लिए अहकाम के अलावा फंड भी भेजता था और धमाका खेज मवाद बनाने के लिए सामान की खरीदारी और तंजीम के दीगर कारिंदों की माली मामलत भी करता रहा है। और हुकाम का यह भी बताना है कि गिरफ्तार दहशतगर्द से धमाका खेज मवाद, तारें, दस्ती बम, मोबाइल फोन, शनाख्ती कार्ड भी बरामद कर लिए हैं। तमाम दहशतगर्द रमेश कुमार से मजीद तफ्तीश भी की जा रही है और मजीद इंकशाफात और गिरफ्तारियाँ भी मुतवक्के हैं। ये अदनान, ये जानना चाहूंगा शफी बरफत का जो नाम लिया, ये जो शख्स है ये खुद कहाँ पर है इस वक्त, इसके बारे में नहीं बताया इस रमेश कुमार ने? जी बिलाल, गिरफ्तार दहशतगर्द से मजीद तफ्तीश जारी है, जबकि हुकाम का बताना है कि जो दहशतगर्द शफी बरफत है वो बैरून मुल्क में रिहाइश पजीर है, जो पाकिस्तान में ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वज़ है। अच्छा अदनान, ये भी मजीद मैं जानना चाहूँगा, ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ हैं इसमें क्या ब्रीफिंग सामने आ रही है कि ये 2010 से 2015 तक इन हमलों के अंदर मुलव्वस रहा, 2015 से ये 2021 तक, अभी ये इन सालों के अंदर ये कराची में ही रहा या फिर ये बैरून मुल्क था वापस आया जो फिर कार्रवाई की गई है? बिलाल बिल्कुल, हुकाम का बताना है कि मुलजिम कराची में ही मुकीम था और हर टारगेट के बाद मुलजिम अपनी मकाम चेंज करता रहता था, जबकि इससे कबल भी इसी ग्रुप के सीटीडी ने तकरीबन 4 से 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया था, उन्हीं की निशानदेही पे इस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। अच्छा मजीद ये भी जानना चाहूँगा कि जब इसको गिरफ्तार किया गया, इसे इंटरोगेशन की जा रही होगी, तफ्तीश की जा रही होगी, ये किसी और तखरीबकारी के अमल को सरंजाम देने के लिए तो यहाँ पर नहीं मौजूद था? जी बिलाल, इस हवाले से पुलिस का बताना है कि रमेश कुमार जो दहशतगर्द है जिसे गिरफ्तार किया है पुलिस और अहकाम इदारों ने, इससे मजीद तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है और मजीद
इंकशाफात और गिरफ्तारियां भी मुतवक्के बताई जाती है। अच्छा, इसका ताल्लुक बताया जा रहा है कलदम तंजीम जीएसएन मुत्तहिदा महासे जख्म से, पुलिस का और इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उनका मजीद क्या कहना है कि और कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो अभी हमें जराए से मालूम हुआ था दोबारा से तखरीबकारी का अमल तेज़ किए जाने के लिए गैर मुल्की एजेंसीज एक्टिव हो गई हैं इस शहर के अंदर, ख़ास तौर पर इस मेट्रोपोलिटन सिटी में, और कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं, कौन कौन से ऐसे तखरीबकारी के जो इस वक्त ग्रोह हैं उनकी तलाश इस वक्त जारी है? जी बिल्कुल बिलाल खान, इस हवाले से पुलिस हुकाम का बताना है कि गिरफ्तार जो मुलजिम है जिसका ताल्लुक कालादम तंजीम जी एस एन मुत्तहिदा महासे से बताया जाता है, इस वक्त कालादम तंजीम जी एस एन महासे काफ़ी एक्टिव बताई जाती है और इसके ऊपर पुलिस और असास इदारे वर्किंग भी कर रहे हैं और इन मुलजिमान जो गिरफ्तार मुलजिमान हैं उनकी निशानदही पर कार्रवाइयाँ करके दीगर जो इनके दहशतगर्द हैं उनको गिरफ्तार भी कर रहे हैं। अच्छा, ये मुलज़िम जो गिरफ़्तार किया गया है ये ऑब्वियसली मतलूब था, इसकी जो है वो तलाश जारी थी, इसने इकबाल जुर्म किया है गिरफ्तारी के बाद? हाँ जी बिल्कुल, इसने इकबाल जुर्म भी करा और शहर में दस्ती बम हमले और दीगर टारगेट किलिंग और हंगामा आराई का भी एतराफ़ किया है मुलज़िम ने। अच्छा, मुलज़िम ने कोई ऐसा इंकशाफ किया है जो कि काबिल गौर हो शफी बुरफत के कार्रवाइयों के अलावा? जी बिल्कुल बिलाल, हमारी एसएसपी मलीर इरफान बहादुर से जब बात हुई उनका कहना था कि गिरफ्तार मुजरिम रमेश कुमार कराची में 2010 से 2015 तक 38 से जायद क्रेकर और दस्ती बम हमलों का मास्टरमाइंड था और दौरान तफ्तीश मुजरिम ने टारगेट किलिंग हड़तालों के दौरान हंगामा आराई और सैकड़ों गाड़ियों को नजर आतिश करने का एतराफ़ किया था और साथियों के साथ मिलकर शहर में दस्ती बम हमलों में भी मुलव्वस रहे हुए। ठीक है, इसने जब एतराफ़ किया तमाम चीज़ें बताई तो इंटरोगेशन में ये चीज़ सामने नहीं आई कि ये किस तरह से काम सर अंजाम दिया करता था? उस वक्त भी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ होती थी, उस वक्त भी तलाश जारी होती थी, लेकिन ये दस्ती बम हमले होते रहे 2010 से 2015 के दरमियान, तो इसने तरीक़ वारदात बताया? काम का बताना है कि मुलजिम को मजीद तहकीकात के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है जिससे मजीद तफ्तीश और तहकीकात का सिलसिला जारी है। ठीक है अदनान, बहुत शुक्रिया अदनान राजपूत हमारे साथ मौजूद है क्राइम रिपोर्टर। लेकिन नाज़रीन, काबिल गौर जो बात है, गौरतलब बात, उसमें ये चीज़ सामने आ रही है, सर फहरिस्त है कि ये जो दहशतगर्द है जिसने एतराफ़ भी किया है कि ये तखरीबकारी की जो चीज़ें थी उसमें मुलव्वस रहा है 2010 से 2015 तक, गलबन 6 से 7 साल का अरसा, ये उन तमाम चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट उसकी रही है, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जो सराहा जानी चाहिए, इसको गिरफ़्तार किया गया है, इसके जो मजीद गैंग हैं, मजीद जो लोग हैं, मजीद जो साथी हैं उनको भी गिरफ़्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं मजीद। अब देखना यह है कि सोर्सेस के मुताबिक ये बात सामने आई थी कि माजी में जिस तरह से जो तखरीबकारी की कार्रवाइयाँ होती थीं, मामलात होते थे, वो दोबारा से जन्म लेने लगी है, बहुत सारे ग्रोह ऐसे हैं जो गैर मुल्की एजेंसी सपोर्ट कर रही हैं उनको, वो कराची में उनके सरगना बैठे हुए हैं, उनके लिए अब छापे मारे जा रहे हैं। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज़ भी हैं उस पर भी बात करेंगे।